हाय, आज तक आपने इस चैनल पे नीट के अलग अलग टॉपिक्स और एस्पेक्ट्स के रिलेटेड अलग अलग वीडियोस देखे होंगे, सब्जेक्ट वाइज अप्रोच से लेकर टेस्ट्स, कोचिंग्स, स्टडी मटेरियल और भी बहुत कुछ। लेकिन अब मेरे अकॉर्डिंग टाइम आ गया है इस सब को वाइंड अप करने का। नहीं, ऐसा नहीं कि मैं वीडियोस बनाना छोड़ रहा हूँ, बल्कि अब टाइम आ गया है ऐसा करने का कि इन सभी एस्पेक्ट्स को एक सिंगल वीडियो में इस तरह प्रेजेंट किया जाए कि आपके सामने एक ही तरीके से एक सिंगल रोड मैप बन जाए कि आप अपनी नीट प्रिपरेशन को किस तरह जीरो से लेकर बिल्कुल एंड तक पहुंचा सकते हैं और आपको इस सब के लिए यहां वहां भटकने की जरूरत ना पड़े। सो हाय अगेन, आई एम निहायत फारूक एंड दिस इज योर कंप्लीट गाइड टू नीट एग्जाम। और हाँ, ये वो सेम यूजुअल वीडियो नहीं होने वाली जहां मैं आपको सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स दूंगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन सिर्फ वही इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रिपरेशन 2 साल की होती है और विद टाइम इसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स चेंज होते रहते हैं और किस तरह पढ़ना है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन विद टाइम कैसे अपनी प्रिपरेशन को चेंज करना है और किन चीजों को ज्यादा टाइम पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है और कम टाइम होने पे कम इंपॉर्टेंस देनी है और इस सबको एक एफिशिएंट मैनर में कंडक्ट कैसे करना है ये सब लोग नहीं जानते, और जो जानते हैं सिर्फ वही आगे बढ़ते हैं। और हाँ, सिर्फ एक चीज है जो इस पूरे टाइम कॉन्स्टेंट रहने वाली है और वो है हार्ड वर्क। तो अब एक एक करके हर एक चीज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आप में से सब लोगों से पूछूं कि प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे होती है तो हर किसी का अलग अलग कहना होगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट होती है आपके खुद पे बिलीव करने से, यानी सेल्फ बिलीव एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन टू एक्चुअली डू इट। यानी खुद पे यकीन कि आप लाइफ का एक मेजर स्टेप लेने जा रहे हो, इसके रिलेटेड मेहनत तो लगेगी लेकिन वो मेहनत करने के लिए आप डेडिकेटेड और डिटर्मिंड हो। एंड सेकेंड इज एम, रिगार्डलेस ऑफ द पास्ट। ये मैटर नहीं करता कि आप में से अभी तक किस इंसान ने कितनी पढ़ाई की है या किस तरह पढ़ाई की है, क्योंकि प्रिपरेशन अब आपके लिए एक कम्प्लीटली नई चीज है और ये सबके लिए ही नहीं है। और अब इस चीज को मैं आपको एक एनालॉगी की फॉर्म में समझाऊं तो मैं इसे कहता हूं द अनफ्रीज चेंज रीफ्रीज थ्योरी। यस, आई नो दिस इज अ टेरिबल नेम, बट बेयर विद मी, ट्रस्ट मी, ये आगे सेंस बनाने लगेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए इसका मतलब ये है कि अभी तक आप लाइफ में एक अलग तरीके से पढ़ाई कर रहे थे, अलग तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे और अलग तरीके से एग्जाम्स दे रहे थे, लेकिन अब ये सब आप सभी के लिए चेंज हो रहा है और आपको भी अपने अकॉर्डिंग खुद को ऑब्वियसली इसी चीज के साथ चेंज करना पड़ेगा। यानी पहले तो जो सालों तक आप इस एक पर्टिकुलर सिस्टम में फ्रीज होकर रह गए, उससे आपको खुद को अनफ्रीज करना है, अपने आप को चेंज करके नए सेटअप में अडैप्ट करना है, अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लानी है और नई चीजों को इंट्रोड्यूस करके उस नए सेटअप में खुद को रीफ्रीज करना है। मेक सेंस इन इट? और अब ये सिस्टम आपके साथ अगले 2 साल या फिर उससे भी ज्यादा रहने वाला है और आपको हमेशा अपना एम 720 ही रखना है, क्योंकि इफ यू एम हायर देन यू एक्सपेक्ट, यू कुड रीच हायर देन व्हाट यू ड्रीम्ड ऑफ। तो इसी माइंडसेट को लेकर आपको अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है और बस चलते ही रहना है टिल यू एक्चुअली अचीव योर गोल। बस हो गया अचीव, वीडियो खत्म, थैंक मी लेटर, टाटा बाय बाय। नहीं, मजाक, चल रुको। अब वीडियो के मेन कोर्स पे आते हैं। अब कब, कहां और कैसे पढ़ना है उसके लिए हमारा प्लान कुछ इस तरीके का दिखेगा। चूजिंग अ स्टडी मटेरियल, फिक्सिंग अ कांस्टेंट टाइम टेबल, लर्निंग, प्रैक्टिसिंग एंड टेस्टिंग एंड फाइनली एनालिसिस। ये 5 चीजें फॉलो करके आप इजीली सिलेक्ट हो सकते हो। प्रॉब्लम ये है कि ये फॉलो कैसे करना है वो हमें नहीं पता। मुझे तो पता है, आप लोगों को नहीं पता, तो वही मैं बताने वाला हूँ। एक मिनट, मुझे कुछ बोलना है। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है फिजिक्स वाला ने और यहाँ मैं एक छोटा सा एड ब्रेक लेते हुए आपको पीडब्ल्यू के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आप ऑनलाइन मोड से अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पीडब्ल्यू के बैचेस मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट चॉइस। पीडब्ल्यू में आपके लिए है यकीन 6.0, जो कि है इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रॉपर्स बैच आपकी नीट की प्रिपरेशन करने के लिए। अर्जुना नीट 4.0 उनके लिए, जो अपनी 11th क्लास की नीट प्रिपरेशन करने वाले हैं, जिसमें आपको साथ में अपने नियरेस्ट विद्यापीठ में फ्री काउंसलिंग भी मिलेगी। और लक्ष्य फास्ट ट्रैक उनके लिए, जो अपने बोर्ड की 12th क्लास प्रिपरेशन 4 months में कंप्लीट करना चाहते हैं। इन सभी बैचेस में आपको अपने अकॉर्डिंग मिलेंगे इंडिया के टॉप लेवल एजुकेटर्स फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट्स, क्लासेस 6 days a week with 3 live lectures each day, DPPs, video solutions, quizzes और PDF notes भी, और साथ में एक प्रॉपर प्लानर के अकॉर्डिंग शेड्यूल टेस्ट भी। तो अगर आप इनमें से किसी भी बैच में इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं और मेरा कोड NF150 यूज भी कर सकते हैं, आपको इंस्टेंटली ₹150 ऑफ भी मिल जाएगा। अब बाकी वीडियो पे वापस आते हैं। नंबर 1, चूजिंग अ स्टडी मटेरियल। इसमें आप जानते हो कि NCERT इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके एडिशन में आपको अपनी कोचिंग के कोई रेलेवेंट मॉड्यूल्स लेने हैं। अगर आप कोचिंग में नहीं पढ़ते तो किसी अच्छी कोचिंग के मॉड्यूल्स ले लो, या अगर वो पॉसिबल नहीं है तो कोई भी रेलेवेंट बुक या स्टडी मटेरियल ले सकते हो। अब अगर आप खुद किसी कोचिंग में नहीं है और आपको मॉड्यूल्स प्रोवाइड नहीं की गई है, तो आपके पास डिफरेंट चॉइसेस है अलग अलग कोचिंग से मॉड्यूल खरीदने की, तो मेरा वोट तो आकाश की ही मॉड्यूल्स को जाएगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे ज्यादा वर्सेटाइल है। बाय द वे, इस चैनल का नाम पहले वर्सेटाइल एनएसटी था, और इस इन्फॉर्मेशन का आप क्या करेंगे मुझे नहीं पता, बट फिर भी
नेक्स्ट इज फिक्सिंग टाइम टेबल। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में ऐसे कमेंट्स बहुत देखे हैं कि काफी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें अपने अकॉर्डिंग नीट का एक टाइम टेबल बना के दो, बट ये बात पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि हर स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है, हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग होता है और हर किसी की नीड्स और अननेसेसरी टाइम वेस्टिंग की चीजें अलग अलग होती हैं। तो इन सब के लिए मैं बैठकर एक सिंगल टाइम टेबल नहीं बना सकता, क्योंकि वो सबके लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। तो सरप्राइज सरप्राइज, ये किसी की नहीं बल्कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने दिन के कामों को गिने, अपनी जरूरतों को देखें और अपने लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाए, उसे फिक्स करें और उसे प्रैक्टिकली फॉलो भी करें। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज लर्निंग। लर्निंग मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे बोरिंग पार्ट होता है, और मे बी आप भी अग्री करते होंगे, एंड दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। और इस प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करूंगा फ्रॉम अ फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा मतलब साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। स्टूडेंट्स अक्सर कहते रहते हैं कि ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया, और इसका रीजन वही है जो मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टूडेंट्स इस लर्निंग वाले पार्ट को अक्सर बोरिंग और टायरिंग समझते रहते हैं। इस प्रॉब्लम को बिगिनिंग में ही एड्रेस करना जरूरी है, लेकिन वो कैसे? तो इसका जवाब ये नहीं है कि आप मोटिवेशनल वीडियोस देखो, बिकॉज यू आर सिंपली नॉट सपोज्ड टू बी डिपेंडेंट ऑन एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ चीप डोपामाइन। बल्कि ये जरूरी है कि आप इंटरनली अपने दिमाग में ऐसी सेटिंग बिठा लो कि आप मेहनत करने वाले पार्ट को ही एक गुड पार्ट समझ के उसे ही रिवॉर्ड सिस्टम में फीड करते जाओ। यू हैव टू बी ऑफ द मेंटालिटी, आई नो इट्स पेनफुल, आई नो इट डजंट फील गुड, बट आई एम फोकस्ड एंड आई एम गोइंग टू एक्सेस द रिवॉर्ड एंड यू विल श्योरली सी द रिजल्ट्स। अब अगला पॉइंट है नंबर 4, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए अपना रॉ मटेरियल तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था, तो आपको बस बुक उठानी है और तब तक प्रैक्टिस करते जाना है और सीखते जाना है जब तक आप अपनी प्रैक्टिस और परफॉर्मेंस दोनों से सेटिस्फाइड ना हो जाए। अगर आप अपनी सिलेक्शन के लिए सीरियस हैं तो आप खुद ब खुद अपने आप को तब तक पुश करते रहेंगे जब तक आप अपने रिजल्ट्स के साथ खुश ना हो। लेकिन प्रैक्टिस करते वक्त इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आप नीट रिलेवेंट स्टडी मटेरियल ही प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि अगर मॉड्यूल सॉल्व ना करें तो कौन सा रिलेवेंट स्टडी मटेरियल मिलेगा। अब लास्ट के पॉइंट पे आते हैं जो कि है टेस्टिंग एंड एनालिसिस। मेरे हिसाब से आपकी पूरी प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन इस एक पार्ट को सही करने के लिए आपको पिछले सभी पॉइंट्स पहले तो सही करने पड़ेंगे, और फिर ये पार्ट सही हो या ना हो उसकी भी गारंटी नहीं है। तो शॉर्ट में जितने हो सके उतने टेस्ट देते जाओ, उन टेस्ट का एनालिसिस करो, अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करो और फिर आगे चल के जितना हो सके उन मिस्टेक्स को अपने आगे के टेस्ट में अवॉइड करते जाओ। और टेस्ट और एनालिसिस ऐसा टॉपिक है जिसके रिलेटेड स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा डाउट्स होते हैं, जैसे कि टेस्ट में मिनिमम स्कोर कितना आना चाहिए, जिसका सिंपल सा आंसर है देयर इज नो सच थिंग एज अ मिनिमम स्कोर when it comes to tests. Test का सोल पर्पज ये है कि आप अपनी mistakes identify कर पाओ, ताकि आप ये पता लगाओ कि इसके आगे आपका graph ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है और कैसे आप अपने score को आगे आगे improve कर पाओ। अब आते हैं video के सबसे important part पे, जो एक student को दूसरे student से actual में differentiate कर पाता है। तो अगर आप video अभी तक देख रहे हैं, congratulations, you're doing a good job, क्योंकि हम discuss करेंगे how your preparation strategy should change with time. नंबर 1, स्टडी आवर्स। स्टडी आवर्स की बात करें तो आपको स्टार्ट काफी कम आवर्स से करना है और ग्रेजुअली इसको बढ़ाते जाना है। लेकिन एक चीज आप हमेशा इंश्योर करेंगे कि आप स्टार्टिंग में जो स्टडी आवर्स सेट करेंगे उतने स्टडी आवर्स मिनिमम आप हर दिन दे रहे होंगे, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज। और इस पर्टिकुलर अमाउंट में आपको थोड़ा थोड़ा टाइम ऐड करते जाना है जब तक आप फाइनली काफी ज्यादा स्टडी आवर्स मैनेज कर पाएंगे, अगेन हड़बड़ी में नहीं बल्कि आराम आराम से। नंबर 2, टेस्ट्स वर्सेस टाइम। प्रिपरेशन की बिगिनिंग में सिलेबस तो ज्यादा कवर हुआ नहीं होता, इसीलिए टेस्ट भी ज्यादा देने के लिए नहीं होते। लेकिन टेस्ट के केस में आपको प्रिपरेशन की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अपनी कोचिंग में कंडक्ट हुए तो एटलीस्ट सभी टेस्ट देने चाहिए। लेकिन जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको एडिशनल फुल सिलेबस टेस्ट भी देना स्टार्ट करना चाहिए, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको धीरे धीरे बढ़ाते जानी है टिल योर नीट एग्जाम, स्टार्टिंग विद अ टेस्ट एवरी फोर्टनाइट, अ टेस्ट एवरी वीक एंड फाइनली टेस्ट एवरी डे टिल योर एक्चुअल नीट एग्जाम। थर्ड और लास्ट पॉइंट, टॉपिक्स टू बी कवर्ड वर्सेस टॉपिक्स रिवाइज। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इसका मतलब भी सिंपल है। यानी जैसे जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करो तब आपको अपना रिविजन रेशियो तो कम रखना है, लेकिन जैसे जैसे आप और चीजें पढ़ते जाओ आपको अपने रिविजन टाइम को बढ़ाते जाना है टिल इट रीचेज अ मैक्सिमम पोटेंशियल एंड यू हैव टू कीप इट कॉन्स्टेंट आफ्टर दैट। इस ग्राफ से चीजें आप बेटर समझ पाओगे, ताकि आपके नए टॉपिक्स कवर करने में और पिछली चीजें रिवाइज करने में एक प्रॉपर बैलेंस बना रहे और आप हमेशा ज्यादा ज्यादा पढ़ने से और गेन ही कर रहे हो जबकि पिछला आपसे ना छूटे। अब इसके बाद क्या? इसके बाद कुछ नहीं, टेस्ट देते रहो, रिवाइज करते रहो, अपना फाइनल एग्जाम दो, नीट क्रैक करो, कॉलेज आओ, पढ़ाई करो, गुड बाय।